हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्शिज मॉम कॉर्नर। और आप सभी को होली की बहुत सारी बधाइयां। देखिए मेरा यहाँ पर गुजिया रेडी हो चुका है, आप सब भी खाइए। और अभी मैं बना रही हूँ मालपुए, और इसी के बीच अभी हमारी लेडीज होली पार्टी होने वाली है, मैं उसमें जा रही हूँ। लौट के आती हूँ तो बात करती हूँ। बाय। आद्या भी आप सबको हैप्पी होली करना चाह रही है। आद्या, यू वांट टू से हैप्पी होली टू एवरीवन? से हैप्पी होली, वेट, से हैप्पी होली टू एवरीवन। हैप्पी होली। थैंक यू सी। से हैप्पी होली टू एवरीवन। हैप्पी होली एवरीवन। एंड थैंक यू सी। बाय। यहाँ पर मैं मालपुए बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मालपुए बनाने के लिए हमें 2 कप मैदा, 1 कप सूजी और 1 कप चीनी चाहिए। चीनी हम अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा और कम ले सकते हैं। उसके बाद इन सब चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद यहाँ पे जिस कप से मैंने मैदा और सूजी मापा है उसी से मैं लगभग 1.5 कप दूध ले रही हूँ। ये मैं अंदाज से ले रही हूँ दूध, आप लगभग 1.5 कप ले सकते हैं। और इसे अच्छी तरीके से हम पहले मिला लेंगे, और मिलाने के लिए हम इसे और स्मूथ करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, और पानी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। हमारा बैटर ऐसा होना चाहिए जैसे केक का होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा रनी रखेंगे हम, क्योंकि ये बैटर मैं एक रात पहले बना रही हूँ जिस दिन होली है, और इसे मैं होली वाले दिन सुबह बनाने वाली हूँ, तो उस दिन तक इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। साथ में मैंने यहाँ पे कुछ नट्स ले लिए हैं, नट्स में थोड़े से काजू, किशमिश और थोड़ी सी चिरौंजी ली है, और अब इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे और ढक के रख देंगे रात भर के लिए। रात भर में ये बैटर बहुत अच्छी तरीके से फूल जाएगा। यहाँ पर मैं गुजिया की तैयारी कर रही हूँ। गुजिया बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 कप मैदा लेंगे, और उस मैदे में घी डालेंगे। हम लोग तो इसे मोयन कहते हैं, आप क्या कहते हैं बताइएगा। और हम घी और मैदे को अच्छी तरीके से मिलाएंगे, और जब तक इसका अच्छी तरीके से बॉल ना बनने लगे तब तक हमें इसमें ऑयल डालते रहना है, क्योंकि अगर ये बॉल बनने लगेगा तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। जब ये बॉल बनने लगे मैदे का, तब हमें इसमें गुनगुना पानी डालना है। गुनगुना पानी हम धीरे धीरे डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। इस मिक्सचर को हमें बिल्कुल कड़ा गूंदना है जिससे कि जो गुजिया है वो बिल्कुल खस्ता बने। अब हम गुनगुने पानी से मैदे को गूंद लेंगे, और किसी गीले कपड़े से इसको ढक देंगे और रेस्ट करने देंगे। वैसे तो मार्केट में गुजिया बनाने के लिए मोल्ड मिलता है, लेकिन अगर आपके पास वो मोल्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर बिना मोल्ड के गुजिया बनाएंगे। मैंने यहाँ पे मैदे की एक बड़ी सी लोई को बेल लिया है, और मेरे पास एक नमक का लिड था, उससे मैंने इन सबको काट लिया है। एक्स्ट्रा जो मैदा दिख रहा है उन्हें हम हटा लेंगे, और इस जो ये पेड़े मिले हैं हमें इन्हें हम बेल लेंगे। इसे आप जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला बेलिए, जिससे कि जो वॉल होगी ना गुजिया की वो बहुत अच्छी बनेगी। और इसको बेल के मैंने यहाँ पर मैदे और पानी का एक घोल तैयार किया था, इसको हम ये गुजिया सील करने के लिए यूज़ करेंगे। इसको हम एजेस पे गोलाई से लगा देंगे अच्छी तरीके से, जिससे ये गुजिया को सील करने में मदद करेगा। अब यहाँ पर मैंने खोए को पहले से ही भून के रखा है, और उसमें ड्राई फ्रूट्स और चीनी मिक्स किया था। जब खोआ अच्छी तरीके से ठंडा हो गया था उसके बाद मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स और चीनी मिक्स किया था,
वो ले लेंगे हम और इसको बीचों बीच रख देंगे। कोशिश करेंगे कि ये किनारे पे ना आए, क्योंकि सील कर फिर ये अच्छी तरीके से सील नहीं होगा और ऑयल के अंदर फट जाएगा। अब हम इसको अच्छी तरीके से सील करेंगे। गुजिया को का ये स्टेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम सील नहीं करेंगे गुजिया को तो वो ऑयल के अंदर फट जाएगी और सारा ऑयल भी खराब हो जाएगा और हमारी गुजिया भी खराब हो जाएगी। अब हम ये अच्छी तरीके से हमने सील कर लिया है। अब हम हाथ से ही एक दिशा में फोल्ड करते जाएंगे, जिससे दो चीज होगी। एक तो ये बहुत सुंदर सा डिजाइन बन के आ जाएगा और दूसरा ये गुजिया बहुत अच्छी तरीके से सील हो जाएगी। तरीके से हम सारी गुजिया को बना के तैयार कर लेंगे। और ऑयल जब बिल्कुल अच्छी तरीके से तेज गर्म हो जाए तो धीरे धीरे एक एक गुजिया डालेंगे और फिर ऑयल को सिम पे कर देंगे। ऑयल को सिम पे करके फिर हम धीरे धीरे गुजिया को सेकेंगे, जिससे वो अंदर तक अच्छी तरीके से सिक जाए। इसी तरह से हम सारी गुजिया को डीप फ्राई कर लेंगे और हमारी सारी गुजिया बन के अब तैयार है। गुजिया बनाने के बाद अब यहाँ पर मैं मालपुआ बनाने जा रही हूँ। मालपुआ भी मैं उसी कढ़ाई और उसी ऑयल में बना रही हूँ जिसमें मैंने गुजिया बनाया था। तो रात को जो मैंने बैटर तैयार करके रखा था मालपुआ के लिए, उसी बैटर से मैं ये मालपुए बना रही हूँ। मैं एक एक करके किसी चमचे के सहायता से ये मालपुआ ड्रॉप कर रही हूँ इस घी में। ये देखिए कितने अच्छे से फूल रहे हैं। जब ये एक तरफ से थोड़ा सा सिक जाए और फूलने लगे तो हम इनको फ्लिप कर लेंगे और दोनों तरफ से धीमी आंच में सेक लेंगे। ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इनको घी से निकाल लेंगे। गुजिया और मालपुए बन चुके हैं। अब मैं तैयारी कर रही हूँ खाने की। सूखी सब्जी में मैं बना रही हूँ कद्दू या पम्पकिन, जो कि ईस्टर्न यूपी में किसी भी त्योहार में अक्सर बनता है। कद्दू और पूरी का ये डेडली कॉम्बिनेशन कभी ट्राई करके देखिए, ट्रस्ट मी बहुत अच्छा लगेगा आपको। कद्दू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है लगभग 2 बड़े चम्मच, और उसमें मैंने डाला है पचफोरन और सूखी लाल मिर्च। साथ में मैं यहाँ पर थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें कद्दू डाल दूंगी। कद्दू डाल के हम इसे एक दो बार चलाएंगे और उसमें नमक डालेंगे। नमक हमें बहुत ध्यान से डालना है इसमें, क्योंकि कद्दू जो है पानी छोड़ता है और गल के बहुत थोड़ा सा रह जाता है। इसीलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि ये बहुत थोड़ा सा रह जाएगा और उस क्वांटिटी के हिसाब से हमें इसमें नमक डालना है। नमक डाल के इसको हम एक दो बार चलाएंगे और फिर लिड लगाकर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद हम इसे चेक करेंगे, ये अच्छी तरीके से गल चुका है। और अब इसका लिड हटा के हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे और हमारा कद्दू बनके तैयार हो जाएगा। कद्दू बनके तैयार है। अब मैं बनाऊंगी खोए मटर और पनीर की सब्जी। इसके लिए मैंने पैन में सबसे पहले 2 बड़े चम्मच तेल ले लिया है और साथ ही उसमें डाल दिया है 1 छोटा चम्मच जीरा,
जब जीरा क्रैकल्ड हो जाएगा तो उसमें हम डालेंगे लगभग 3-4 लौंग और साथ में 2 बे लीव्स यानी तेज पत्ता। अब हम इसमें डालेंगे अदरक प्याज लहसुन का पेस्ट, और इन सबको अच्छी तरीके से चला लेंगे। जब प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरीके से भुन जाए तो उसमें हम डालेंगे एक बड़ा टमाटर रफली चॉप किया हुआ और स्वाद के अनुसार नमक। टमाटर और प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरीके से पक गया है, अब हम उसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया, एक चम्मच गरम मसाला और अपने टेस्ट के हिसाब से रेड चिल्ली पाउडर। अब हम इन मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे खोआ जो मैंने पहले ही ग्रेट करके रखा हुआ है। खोआ डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे मसालों के साथ। जब खोआ भुन जाए तो उसमें हम डालेंगे हरी मटर, ये मैं फ्रोजन हरी मटर यूज़ कर रही हूँ, लगभग 1 कप। एक दो बार चला के इसे हम ढक देंगे और जब ये मटर गल जाए तो उसमें हम पनीर डालेंगे। पनीर को मैंने काट के पहले से ही रखा है। पनीर डालने के बाद हम इसे मसालों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम इसमें एक छोटा चम्मच ड्राई रोस्ट किया हुआ कसूरी मेथी डालेंगे और थोड़ा सा धनिया डालेंगे। हमारा पनीर बनके तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे जीरा राइस। तो जीरा राइस बनाने के लिए मैंने चावल को पहले ही आधे घंटे पहले वॉश करके रख दिया था भिगो के। अब मैं एक पैन में मैंने 2 बड़े चम्मच देसी घी लिया है, उसमें एक छोटा चम्मच जीरा डाला है और जब जीरा क्रैकल्ड हो गया है तब मैं उसमें एक बे लीफ यानी कि तेज़पत्ता डाल रही हूँ और उसके बाद मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। और चावल डालने के बाद अब मैं इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालूंगी। नमक थोड़ा कम ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, मतलब जितने चावल हैं उससे थोड़ा कम रहेगा क्योंकि इसको हम ज़्यादातर सादा नहीं खाते हैं। और फिर इसको चलाने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। पानी जितना राइस है उससे ज़रा सा ही ऊपर तक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि राइस ऑलरेडी बहुत देर से मैंने भिगो के रखा था आधे घंटे पहले। तो अब मैं इसको चला के लिड लगा दूंगी और हमारे चावल तैयार हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर आलू की कचौड़ी बना रही हूँ। तो आलू की कचौड़ी बनाने के लिए मैंने आलू बॉयल कर लिए थे और उसमें सिर्फ नमक डाला था क्योंकि मेरे बच्चे मिर्च वगैरह नहीं खाते हैं और जैसे स्टफ़ करते हैं वैसे स्टफ़ करके मैं इनको पूड़ियों की तरह बेल के यहाँ पर सेक रही हूँ। मेरी कचौड़ियाँ भी यहाँ पर बन के बिल्कुल तैयार है। मैं एंजॉय करने जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ ये त्योहार की थाली। अगर आपको ये होली व्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।